अब आ जाओ, अगर आपसे पूछा जाए कि मैं आप ही को क्यों चुनूं, तो इसका ना इसका अपनी अपना तारीफ, अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस तो बता दिया। आप मुझे बताओ, मैंने तो एक आंसर यहाँ पे रेडी रखा है, एक जनरल आंसर रखा है, चाहे वो नॉर्मल जो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है या इनएक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, वो दोनों मिलके एक जेनेरिक आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? मुझे अच्छी अच्छी वोकैब यूज करनी है अपने सेंटेंस में, मैम प्लीज बताइए, पहले तो बोलना सीख लो, उसके बाद अच्छे अच्छा वोकैब यूज हो जाएगा। व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आप ही को क्यों चुनूं, बताओ, ऑनेस्ट बताना, ऑनेस्ट, जो आपको लगता है। आई पोजेस ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस डेट यू आर लुकिंग फॉर, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट डेट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल, ठीक है, ओके। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, हाँ, व्हाई शुड आई हायर यू, मतलब आप बाकियों से अलग कैसे हैं, जिस वजह से मैं आपको हायर करूं, बाकियों से अलग क्या है? तो आप बोल सकते हो, सर आई एम नॉट डिफरेंट, ओके, आई आई डोंट नो अबाउट द अदर कैंडिडेट्स, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, बट, ठीक है, थोड़ा सा विनम्रता रखना है, विनम्रता रखोगे ना तो स्टार्ट हो जाना, व्हाई शुड आई हायर यू में ना शुरू मत हो जाना, शुरू मत हो जाना अपना बोलना कि क्यों क्यों आपको, ये बोल सकते हो, ओके, आई आई अक्वायर द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट इज नीडेड फॉर द वर्क, ओके, मेरे पास वो स्किल और एक्सपीरियंस है जो इस जॉब के लिए जरूरत है, बट एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस पर्सन ये बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉट स्पेशल, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट आई एम अप्रोचेबल, आई एम अ आर्डेंट लर्नर, मुझ में ना सीखने वाली कीड़ा है, ठीक है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, आई हैव द हंगर टू लर्न, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ एंड वर्क, एंड इफ गिवेन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव डैट योर डिसीजन टू सेलेक्ट मी इज नॉट रॉन्ग, ये बोल सकते हैं, यू शुड बी वेरी लॉयल। मुझे इंग्लिश में टाइप करना तक नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आप टाइप मत करना, बोलना बोलना, आप बोल देना कि वाई शुड आई हायर यू, सर आई एम नॉट डिफरेंट, आई डोंट से आई एम स्पेशल और डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट आई एम अप्रोचेबल, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड लाइफ, लाइफ के लिए भी आप पैशनेट हो, आई अक्वायर ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड फॉर दिस पोस्ट, मेरे पास सारे, एंड इफ गिवेन एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ, ओके, आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड आई ऑल्सो प्रूव डैट योर डिसीजन मेरे को आपको चुनना वाला डिसीजन, मेरे को चुनना आपका डिसीजन ये रॉन्ग नहीं है, आई एम नॉट डिफरेंट बट आई एम अप्रोचेबल, आई हैव द हंगर टू लर्न, मेरे अंदर वो भूख है, ओके, आई हैव द हंगर टू लर्न, आई हैव द ग्रीड टू लर्न, ग्रीड मत यूज करना, हंगर यूज करना, लालसा है, और इफ गिवन अ चांस आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड ऑल्सो प्रूव माई प्रूव डैट योर डिसीजन टू सेलेक्ट मी इज नॉट रॉन्ग, इजी इजी वे में बोल, डोंट जस्ट रिस्पॉन्ड विद अ जेनरिक आंसर लाइक आई एम स्पा, हाँ वो सब नहीं करना है, आई एम स्मार्ट क्वालिफाइड, आई एम स्मार्ट क्वालिफाइड, ये सब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप कितने स्मार्ट हो ना वो जज करेंगे, तो ये बोल देना। नेक्स्ट एक और है, ये तो आप बोल दिया, एक जेनरिक आंसर है थोड़ा ना, जब भी बोलोगे तो सर या मैम एड्रेस करके बोलना, एक आंसर तो ये है, और दूसरा जैसे फ्रेशर लोग है, जैसे जो फ्रेशर लोग है ना, जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो तो बोल देगा, आई हैव ऑल द एक्सपीरियंस ओवर द ईयर्स, आई हैव गेन्ड ऑल द एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट, ओके, सालों से मैंने सारा एक्सपीरियंस और स्किल गेन किया है जो इस पोस्ट के लिए जरूरी है, ये तो वो पर्सन बोलेगा ना जो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जो बच्चा अभी नया नया जा रहा है वो बोल देगा एज अ फ्रेशर सर इन दिस फील्ड, एज अ फ्रेशर इन दिस फील्ड, अगर आप फ्रेशर हो, आई एम रेडी टू लर्न एंड ग्रो, आई नो आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीम एंड वुड बी अ ग्रेट टीम प्लेयर, आप बोल सकते हो, आप थोड़ा सा अपना जॉब देख लेना, आप जहाँ पे जा रहे हो अगर आपको लग रहा है ना कि वहाँ टीम वर्क की ज़रूरत है, तो सब ये बोल देना, सर एज अ फ्रेशर, ओके, आई एम रेडी टू लर्न एंड ग्रो, मैं हर परिस्थिति में सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार हूँ, आई नो आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द टीम एंड वुड बी अ ग्रेट टीम प्लेयर, मैं एक बहुत अच्छे टीम प्लेयर का काम कर सकता हूँ, इवन इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में भी ना, जब भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह को ज़रूरत पड़ती है, जब भी वो प्रॉब्लम में आते हैं तो मैं उनके लिए हमेशा रहता हूँ, इवन इन माई फैमिली माई सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन एंड मेरे रिलेटिव्स, दे काउंट ऑन मी, काउंट ऑन मतलब दे डिपेंड ऑन मी,
कुछ भी यहां से बोल देना, वैसा नहीं है ना कि पूरा एक पैराग्राफ ही रट के बोल देना, एक दो लाइन भी बोल दोगे काम चल जाए, एक दो लाइन भी बोल दोगे काम चल जाएगा। ओके, आई एम अ वेरी गुड एंड वुड बी अ ग्रेट टीम प्लेयर, ठीक है, ये सब बोल देना। और तीसरा ये भी बोल सकते हो जो मैंने आप बताया, ओवर द ईयर्स, ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, ओवर द ईयर्स आई हैव अक्वायर्ड रेलिवेंट स्किल्स। रेलिवेंट स्किल्स का मतलब है जो इस जॉब के लिए जरूरत है, एंड एक्सपीरियंस, दिस हैज हेल्प मी टू रिकॉग्नाइज। हाँ, एक्सपीरियंस पर्सन क्या क्या बोल सकता है, दो दो बात बोल सकता है, वाई शुड आई हायर यू, तो आप बोल सकते हो ना ओवर द ईयर्स मेरे पास वो, मैंने वो एक्सपीरियंस अक्वायर किया है जो इस जॉब के लिए ज़रूरत है, और दूसरा इस एक्सपीरियंस ने मुझे अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को सिखाया है, पहचानने में मदद की है कि मेरे कैपेबिलिटीज क्या है और मेरे लिमिटेशंस क्या है, ये सब डाल दोगे, ठीक है, ओवर द ईयर्स। ओके, आई हैव अक्वायर्ड सारे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एंड दिस एंड ये स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ने मेरे को हेल्प किया है मेरी मेरे को अपनी क्षमताओं को पहचानने में और अपने लिमिटेशंस को। ओके, तो थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं सीखोगे। वाई शुड आई हायर यू में क्या क्या था, वाई शुड आई हायर यू तो आप बता दोगे, आई एम रेडी टू लर्न, ये सब जो आपको बताया था ना, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ। ओके, आप ऐसा जोड़ोगे, सर आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बट वॉट आई फील कि आई एम ईजिली अप्रोचेबल, आप मेरे से कुछ भी काम करवा सकते हैं, मैं हमेशा मतलब अप्रोचेबल मतलब कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल इन द सेंस, बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, आप मुझे अपने काम में ढाल सकते हो, मैं बहुत अच्छा लर्नर हूँ, मुझे लर्नर की डिजायर है, आप अपॉर्चुनिटी देंगे, ये सब बोल देना। और ये सब बोल देना, अब लास्ट